हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाएगा, जिसके चलते एमसीए और एमबीए के कई ऐसे छात्र हैं जो किन्हीं कारणों के चलते अपनी डिग्री पूर्ण नहीं कर पाए हैं और उनकी समय सीमा भी समाप्त हो गई है। ऐसे सैकड़ों छात्रों को ये गोल्डन चांस दिया गया है। इसके लिए एग्जाम मई माह में लिया जाएगा। प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने बताया कि अब तकनीकी विश्वविद्यालय में विकलांग छात्रों के लिए 5% की रिजर्वेशन भी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाएगा, जिसके चलते एमसीए और एमबीए के कई छात्र ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों के चलते अपनी डिग्री पूर्ण नहीं कर पाए हैं और उनकी समय सीमा भी समाप्त हो गई है। ऐसे सैकड़ों छात्रों को ये गोल्डन चांस दिया गया है। इसके लिए एग्जाम मई माह में लिया जाएगा। प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने बताया कि अब तकनीकी विश्वविद्यालय में विकलांग छात्रों के लिए 5% की रिजर्वेशन दी जाएगी। महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है कि मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी नीड टू एंटर इनटू द रिसर्च आल्सो, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इसी पिछले सत्र से एक कॉलेज को हमने पीएचडी फार्मेसी दिया था, दो कॉलेजों ने अप्लाई किया हुआ है, और हमने अभी इस एकेडमिक काउंसिल में डिसीजन लिया है कि हमारा इंजीनियरिंग में भी पीएचडी शुरू होगा, और मैंने सभी को डायरेक्ट भी कर दिया है, सभी डायरेक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को, जहाँ जहाँ उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, फैकल्टी पूरी है और यूजीसी नॉर्म पूरे करते हैं, वो अप्लाई करें, उनको हम इंजीनियरिंग देंगे। और इस सत्र से हम इस विश्वविद्यालय में, क्योंकि हमारे पास डीन इंजीनियरिंग आ गए हैं, इसलिए हम इंजीनियरिंग में पीएचडी शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पहला डिसीजन था। दूसरा डिसीजन जो था, मुझे लगता है कि देश का पहला विश्वविद्यालय है जहाँ पर हमने यूजीसी एसीटी के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने पौधारोपण में पौधे को हमने डिग्री के साथ जोड़ दिया है और 2 क्रेडिट हर बच्चे के साथ जुड़ेंगे। वो ये है कि हमने डिसेबल्ड दिव्यांग जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी था और अन्यथा भी, हमने 5% की रिजर्वेशन, वो चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे फार्मेसी है, चाहे कोई भी कोर्स है, यूजी है, पीजी है, हमने 5% की रिजर्वेशन पूरे स्टेट में हमने लागू कर दी। ये हमारा डिसीजन है। और चौथा जो है, मुझे ये लगता है कि हमने इंडक्शन कंपल्सरी किया है। इंडक्शन से पहले हमें ये लगा कि कहीं कहीं नॉलेज अच्छी तरह से जो इम्पार्ट करे टीचर, तो फैकल्टी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इस पर हमारा फोकस मेन फैकल्टी डेवलपमेंट पे रहेगा। प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर एसपी बंसल कुलपति ने बताया कि बैठक में अकादमिक परिषद ने सत्र 2020-21 से हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। इसे बायोजी में पास करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए कोर्स के छात्रों के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CVCS के तहत उनकी डिग्री को पूरा करने के लिए एक सेमेस्टर विस्तार की मंजूरी दी गई। प्रोफेसर बंसल ने बताया कि इस सत्र से सभी तरह के एंट्रेंस टेस्ट और काउंसलिंग भी ऑनलाइन होगी। इससे एक तो छात्रों को यहां तक आने का समय बचेगा, दूसरा इसमें पारदर्शिता भी रहेगी। उन्होंने बताया कि माइग्रेशन को लेकर भी नियम बदले गए हैं, जिसके छात्रों को काफी राहत मिलेगी। इस तरह से हमारा कंप्लीट ईआरपी, और एक और हमने डिसीजन लिया है, जो बच्चे एमसीए 3 साल में कंप्लीट, 3 साल का कोर्स होता है, 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, एमबीए 2 साल का कोर्स होता है, 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे फंसे होते हैं किन्हीं कारणों से वो अपने कोर्सेज को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो हमने एक स्पेशल चांस दिया है उनको, एक स्पेशल चांस यानी कि मई का दिया है कि वो अपने अपनी डिग्री जिनकी रही है एमबीए और एमसीए, वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाए। ये काफ़ी विद्यार्थी फंसे हुए थे, उनको एक बहुत बड़ी राहत जो है वो हमने दी है। एक माइग्रेशन को लेकर के हमने डिसीजन लिया है। माइग्रेशन में पहले माइग्रेशन जो हम करवाते थे बच्चे का, वो माइग्रेशन था कि हम उनको थर्ड सेमेस्टर में अलाउ करते थे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर तब अलाउ करते जब फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर ही ऑर्डिनेंस हमारा जब उनका क्लियर हो जाता था, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि थर्ड सेमेस्टर शुरू हो जाता था, उसके बाद रिजल्ट आता था फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का। अब हमने इसको फर्स्ट सेमेस्टर के बेस पर कर दिया है। लेटरल एंट्री के लिए माइग्रेशन का प्रावधान ना होने के कारण को दिक्कत आ रही थी, अपने लेटरल एंट्री के लिए 5th सेमेस्टर में प्रावधान हो माइग्रेशन का, एक हमने वो भी डिसीजन लिया।
और हमने यहाँ पर डाटा सेंटर क्रिएट कर दिया है, हमने टोटल ऑनलाइन कर दिया है, हमने अपना काउंसलिंग जो हमारा 30 दिन तक चलता था उसको हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया है, इस सत्र से शुरू कर देंगे। या फिर जो हमारा टेस्ट होता था, टेस्ट में हमारा पेपर छप के जाते थे, वो भी हमने कम्प्लीट ऑनलाइन कर दिया है, कम्प्लीट ERP। अब ये होगा कि क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए मुझे लगता है कि जो अटेंडेंस है बच्चों की, बच्चे वहाँ पर क्लास में है, क्या पढ़ाया, वो सारा का सारा हमारे पास उस पोर्टल पे आ जाएगा। इस अवसर पर प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल अधिष्ठता व कुल सचिव प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया अधिष्ठता, फार्मेसी प्रोफेसर धीरेंद्र शर्मा अधिष्ठता, डॉक्टर DP तिवारी, प्रधानाचार्य राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज कांगड़ा, प्रोफेसर एल राजू प्रिंसिपल फार्मेसी कॉलेज सराज, डॉक्टर विनय ठाकुर फार्मेसी कॉलेज रिकड़ आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम रुक करेंगे हमीरपुर की ऐसी खबर की ओर जिसमें जिंदगी के अंतिम पड़ाव में पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर 84 साल की विद्या देवी को राहत प्रदान की, पूरा मामला क्या है ये हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।